Third topic of this chapter is creating and sustaining culture. Culture does not develop unexpectedly. मतलब ये unexpectedly नहीं develop हो जाता or in a certain way. But once it's established, but लेकिन अगर एक दफा ये establish हो जाए तो it really fades away. तो फिर इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. How a culture begins? Culture creation occurs in three ways. First, founders hire the employees who they think are alike. मतलब जो founders होते हैं company के या organization के, वो उन employees को hire करते हैं जो वो समझते हैं कि यार वो उन जैसे हैं, या जो उनका जो attitude है या उनका जो behavior है वो same है या मिलता जुलता है at least. Second, they indoctrinate and socialize these employees to their way of thinking and feeling. मतलब वो उन employees में जो founders हैं या जो जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो उन एम्प्लॉयज में वो अपनी जो सोच है उसको इंडॉक्ट्राइन करवा देते हैं. मतलब वो अपना जो इंडॉक्ट्राइन है, अपना जो आइडिया है, जो अपना ख्याल है, जो अपनी फिलॉसफी है, वो एम्प्लॉयज के माइंड में भी डिफ्यूज इन्फ्यूज कर देते हैं. ठीक है, उनको भी अपने तरह का बनाने की कोशिश करते हैं उनकी थिंकिंग में, उनकी फीलिंग में. लास्टली, ओनर्स ओन बिहेवियर इनकरेजेस एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई देयर बिलीव्स, वैल्यूज एंड अजम्पशंस. मतलब ओनर का जो अपना बिहेवियर ऑब्वियसली वो भी मैटर करता है. व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड्स, फाउंडर्स पर्सनैलिटी बिकम्स एम्बेडेड इन द कल्चर. मतलब अगर जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सीड करती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, या जो कामयाब हो रही होती है, तो फाउंडर का जो अपना एटीट्यूड है वो भी उसमें मिलजुल जाता है या घुल मिल जाता है, उस तरह से एम्बेड हो जाता है उसमें. कीपिंग कल्चर अलाइव, वंस कल्चर इज इन प्लेस, अगर एक दफा कल्चर प्लेस में आ जाए तो एम्प्लॉयज प्रैक्टिसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स इट अलाइव. एम्प्लॉयज की जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं वो उसको अलाइव रखती हैं, उसको जिंदा रखती हैं. फॉर एग्जांपल, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, रिवॉर्ड दोज एम्प्लॉयज हु सपोर्ट द कल्चर एंड पेनालाइज दोज हु डोंट. तो ये सब वो प्रैक्टिसेस हैं जो एक कल्चर को अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं. इसमें सिलेक्शन आ जाता है. While selecting employees, selectors need to keep the most significant point in mind, whether the candidate will fit into organization or not. कि हम जो जिस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, obviously आपने पहले ad दिया है, फिर आपने उस पर time spent किया है एक employee को hire करने में, क्या वो organization में fit होगा? Identify candidates whose values must match a good portion of the organizational culture. अब बिल्कुल एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर सकता किसी भी एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ, लेकिन एटलीस्ट जो गुड पोर्शन ऑफ एम्प्लॉय है या गुड पोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, वो एक दूसरे का मैच होना जरूरी है. इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बिग मिसमैच, कंपनीज शुड प्रोवाइड कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स इन द एडवर्टाइजमेंट. वो मतलब आप पहले ही एडवर्टाइजमेंट में बता दें कि हमें किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, सो दैट द पर्सन फाइंड हिमसेल्फ एज मिसफिट फॉर द जॉब शुड नॉट अप्लाई, ताकि जो अपने आप को मिसफिट फील करे वो अप्लाई ना करे. देन टॉप मैनेजमेंट कैन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थ्रू देयर एक्शंस, वर्ड्स एंड बिहेवियर. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि टॉप मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वेदर मैनेजर सपोर्ट इनोवेटिव आइडियाज और नॉट, व्हाट एक्शंस रिजल्ट इन पे राइज, rewards and promotions, office dress code, etc. Socialization. An employee who join a new company, जब भी एक employee नई company में जाता है तो उसको assistance चाहिए होती है चीज़ें सीखने के लिए, वहाँ का culture सीखने के लिए, even काम सीखने के लिए भी. This help or assistance is called as socialization. Socialization is a three-step process which are pre-arrival stage, encounter, and metamorphosis. Each step has an impact over an employee's performance, commitment to organization's objective, and eventual decision to stay with the organization or not. मतलब वो stay करेगा या नहीं करेगा. मतलब इनका जो ये जो तीन processes थे, इसका impact होगा employees की performance पे, commitment towards ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, या फिर वेदर ही वॉन्ट्स टू स्टे और नॉट.
प्री अराइवल, एनकाउंटर, मेटामॉर्फोसिस, और आउटकम्स क्या हैं जी? प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट एंड टर्नओवर। प्री अराइवल स्टेज ऐसा ख्याल किया जाता है कि जो एक न्यू एम्प्लॉई आ रहा है कंपनी में, उसके अपने भी सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉई इज एम्प्लॉई का, या किसी का भी, अगर आपने उसके एटीट्यूड या बिहेवियर का, आपने फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है, तो आप उसका पास्ट बिहेवियर देखेंगे। ऑब्वियसली उससे वो मैच ही करता होगा। बहुत कम केसेस हैं कि अगर वो वेरी करे या चेंज हो जाता है, बट इट्स डिफिकल्ट और लोग कम ही चेंज करते हैं। टू फाइंड द बेस्ट सुटेबल एम्प्लॉई वाइल पोस्टिंग जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, मेंशन द स्किल्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर एंड इन्फॉर्म पीपल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दें कि हम कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे। So that if a person finds himself as misfit, will probably not apply. वो apply नहीं करेगा। Then comes the encounter stage. ये वो स्टेज है कि जब एक employee एक organization में enter होता है और वो experience करता है कि जो उसके preset expectations थी और reality, वो about the job and environment of the organization. If the expectation of and reality are fairly accurate, अगर तो वो उसके expectations ठीक थी, then it would be easier for employee to settle, which is often not the case, जो कि अक्सर केस नहीं होता। कुछ ना कुछ तो mismatch लाजमी होता है, sometimes ज़्यादा भी होता है, और ज़्यादा के केस में employee resign भी कर सकता है। And recruitment and selection process should reduce this outcome. कौन सा वाला outcome? Resign वाला, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई होती है, पैसे खर्च हुए होते हैं, टाइम स्पेंड हुआ होता है। Newcomers work more passionately when colleagues become friends and help him to learn the things quickly. अगर आपके जो colleagues हैं वो आपके साथ अच्छा behave कर रहे हैं, आपको supportive हैं, तो आप चीज़ें जल्दी सीखेंगे और company में अच्छा feel करेंगे आप। Metamorphosis. There are two types of practices used to bring in order the differences found in the newcomers in comparison with the organization environment. First is institutional and the second is individual. अब जब आपने प्री अराइवल स्टेज थी, देन एनकाउंटर स्टेज थी, तो कुछ ना कुछ तो मिसमैच आता है, तो उस मिसमैच को या उन डिफरेंसेस को अलाइन करने के लिए दो तरीकेकार इख्तियार किए जाते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं और एक इंडिविजुअल हैं। इंस्टीट्यूशनल में आर मोर फॉर्मल, कलेक्टिव, सिक्वेंशियल, फिक्स्ड, सीरियल सोशलाइजेशन प्रोग्राम एंड एम्फसाइज द डाइवेस्टिचर। अच्छा, ये डाइवेस्टर नहीं है, डाइवेस्टिचर है, TITUR ही है। मैं इसको यहाँ पे नोट्स में भी ठीक कर दूंगा मैं यहाँ पे। और इस टर्म को हम आगे हम मजीद एलैबोरेट भी करेंगे। मतलब ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसा कि द कॉमन एग्जाम्पल इज पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट, जहाँ पर पूरा पूरा बैच हायर होता है और फिर उनको पूरी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और तब फिर वो कंपनी के साथ मिलजुल जाते हैं। और इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस आर इनफॉर्मल, वो इतनी फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे होती हैं। मतलब आपने फदन काम करना है, रैंडम वेरिएबल और ये डिस्जंक्टिव, लैक कंसिस्टेंसी, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि ये जो काम है पुलिस डिपार्टमेंट वाला, इसमें तो कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए ना, फायर डिपार्टमेंट में भी, और इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। दिस मेक्स एम्प्लॉयज मोर इनोवेटिव, एम्प्लॉयज इसमें ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन रिसर्च बेस्ड फर्म्स, डेवलपमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म मेकिंग फर्म्स। इसमें इंडिविजुअल प्रैक्टिस आर मोर इन वोग। ये सोशलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, वो मैंने पूरी की पूरी जो पिक्चर है उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया था, आपकी बुक में गिवन है। एंट्री सोशलाइजेशन ऑप्शंस, इसमें हाईलाइट मैं नहीं कर सकूंगा, बस इसी तरह से कर सकता हूं कि मैं क्लिक कर रहा हूं पूरा। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, द मोर अ न्यू एम्प्लॉय सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ऑनगोइंग वर्क setting and differentiated in some way to make explicit his or her newcomer's role, the more socialization is formal. कहने का मतलब ये है कि अगर एक employee नई organization में enter होता है,
और उसे अगर अलहदा से ट्रीट किया जाए, उसे इन्वॉल्वमेंट कम दी जाए शुरू में, मतलब आप सिखाएं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि हर टाइम तो उसको नहीं साथ किया जा सकता एडजस्ट, क्योंकि आपकी स्पीड उसे कम होती है काम करने की। अगर कोई नई न्यू एम्प्लॉई आता है, देर कैन बी सेवरल रीजंस ना, ये नहीं कहना चाह रहा मैं कि आपने कुछ छुपा के करना है, नो, सिर्फ इसलिए कि समटाइम काम की पेस कम हो जाती है, या आप अगर काम करें, आप नेक्स्ट लेवल का काम करें और जो आपने न्यू एम्प्लॉय हायर किया है उसको भी ऑब्वियसली आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, तो अगर तो आप उसे थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं काम से या उस तरह से, तो वो फॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा। और जो इनफॉर्मल है, स्पेसिफिक ऑरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन पुट द न्यू एम्प्लॉय डायरेक्टली इनटू द जॉब, वो डायरेक्टली जॉब पे लगा देते हैं विद लिटल और नो स्पेशल अटेंशन, मतलब उसको इतनी खास कोई अटेंशन नहीं मिलती। देन इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, न्यू मेंबर्स कैन बी सोशलाइज इंडिविजुअली, दिस डिस्क्राइब्स हाउ इट्स डन इन मेनी प्रोफेशनल ऑफिसेस, मतलब एक एम्प्लॉय हायर हुआ और आपने उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी को आपने ट्रेन करना है और उसी को आपने सिखाना है सब कुछ। दे कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड टूगेदर एंड प्रोसेस थ्रू एन आइडेंटिकल सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस एज इन मिलिट्री बूट कैंप। मिलिट्री बूट कैंप की एग्जाम्पल है यहाँ पे, वैसे अगर आप देखें जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं अगर वो अपनी सेल्स टीम हायर करते हैं तो वो भी ग्रुप्स के फॉर्म में करते हैं, एक बैच के फॉर्म में करते हैं, 10 का बैच हो सकता है, 5 का बैच हो सकता है, मतलब मोर देन वन, 2 और 3, तो इवन 20 का बैच होता है, 25 का बैच, 30 का बैच, अच्छा काफ़ी बड़े बैच होते हैं इसमें, और उनको इकट्ठी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर वो इकट्ठे फ्लोर पे जाते हैं या वो मार्केट में जाते हैं और वो काम करते हैं। तो दिस वॉज इंडिविजुअल वर्सेज कलेक्टिव। देन फिक्स्ड वर्सेज वेरिएबल, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल में यह है कि पहले एक एम्प्लॉय जाता है एक कंपनी में, वो काम सीखता है और कुछ अरसे उसके साथ एसोसिएट रहता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक के, एक जैसे लॉ फर्म में पहले वो एसोसिएट रहता है अकाउंटिंग एंड लॉ फर्म्स में एक कोई भी कैंडिडेट, और उसके बाद वो उसका पार्टनर बनता है। और जो वेरिएबल है उसमें कोई शेड्यूल्ड नहीं होता कि आप कितने अरसे हमारे साथ लगाएंगे, बस वो उस पर डिपेंड करता है उसके काम पे और उसके जो एडवांसमेंट है या मतलब जो वो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे करेगा या प्रोग्रेस है वो, कि जब तक वो तैयार नहीं होता, जब वो सीख ले काम तो वो आगे आ सकता है या जब आगे वैकेंसी खाली हो। देन सीरियल वर्सेस रैंडम, सीरियल सोशलाइजेशन इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ रोल मॉडल्स हु ट्रेन एंड इनकरेज द न्यू कमर, मतलब आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनर हायर हुआ होता है जो कि चीजें सिखाता है, काम सिखाता है। अप्रेंटिसशिप एंड मेंटरिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल्स। इन द रैंडम सोशलाइजेशन रोल मॉडल्स आर डेलिबरेटली विथहेल्ड, उसमें कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होते, कोई स्पेशल ट्रेनर्स वगैरह नहीं होते, न्यू एम्प्लॉयज आर लेफ्ट ऑन देयर ओन टू फिगर आउट थिंग्स, मतलब उनको बस काम पे लगा दिया जाता है, वो खुद चीजें सीखते हैं, उन्होंने जो पूछना वो पूछते हैं और इस तरह से। नाउ दिस इज द पॉइंट, इन्वेस्टिच्योर एंड डाइवेस्टिच्योर, ये हमने ऊपर पॉइंट मिस किया था और कहा था कि हम इसको आगे देखेंगे। इन्वेस्टिच्योर का मतलब ये है, इन्वेस्टिच्योर सोशलाइजेशन अज्यूम्स दैट द न्यू कमर्स क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर जॉब सक्सेस, कि अगर उसने अपने जॉब में सक्सेस लेनी है तो उसकी अपनी जो क्वालिटीज हैं और उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सो दीज क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस आर कंफर्म्ड एंड सपोर्टेड, मतलब उनको कंफर्म भी किया जाता है पहले और फिर उनको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया जाता है ताकि वो उसमें अपनी जो काम है उसमें सक्सेस हासिल कर सके। और जो डाइवेस्टिच्योर है, इसमें इन जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि फ्रेटर्निटी एंड सोरोनिटी, मतलब फ्रेटर्निटी एंड सोरोरिटी का मतलब जो है याराना तौर पे, मतलब उसको बस मिलाया, साथ मिलाया, बस ठीक है, हायर किया और बस काम सिखाना शुरू कर दिया और वन डे ही विल बी ट्रेन्ड और वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। वैसे मैंने ये साथ लिखा हुआ है कि लर्न डिटेल्स फ्रॉम द बुक। समरी, हाउ कल्चर फॉर्म, के कल्चर कैसे बनता है। फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, सबसे पहले कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर है, जो ओनर है, उसकी क्या फिलोसफी है।
देन सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या रखता है, टॉप मैनेजमेंट, फिर जो इम्प्लॉयज हायर होंगे उनकी सोशलाइजेशन, उस सब के बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बिल्ड होता है। ओरिजिनल कल्चर डिराइव्स फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर। ऑब्वियसली जो फाउंडर है, जो ओनर है, उसके माइंड में कुछ होगा, वो किसी तरह से कंपनी को लेकर चलना चाह रहा होगा, एंड दिस फिलॉसफी ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द हायरिंग क्राइटेरिया। ऑब्वियसली वो अपने इनिशियली तो वो स्टार्ट में तो वो नहीं ना बिल्कुल के किसी के हाथ में दे देगा कि यार ठीक है आप मेरे लिए स्टाफ हायर करें, नहीं, उसने खुद स्टाफ हायर करना है। एटलीस्ट वो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर तो खुद हायर करेगा ना, तो जो हायरिंग क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। टॉप मैनेजमेंट एक्शन एंड सोशलाइजेशन ऑल्सो प्ले अ ग्रेट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर एज न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज लर्न वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड वॉट इज नॉट। कि जो टॉप मैनेजमेंट की जो एक्शंस हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो लो लेवल एम्प्लॉयज हैं या जो उसके कलीग्स हैं वो उन्हीं से सीखते हैं, वो देखते हैं कि यार अच्छा हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे तो हम आगे सक्सेसफुल होंगे। थ्रू सोशलाइजेशन इट इज मेड श्योर दैट द बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड ऑफ न्यू एम्प्लॉयज आर नाउ मैचिंग विद द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। मतलब आफ्टर द सोशलाइजेशन प्रोसेस हम इस चीज को अश्योर करते हैं कि नाउ एम्प्लॉयज आर रेडी टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो उनके एटीट्यूड्स थे, उनके जो नॉर्म्स थे, वो अब ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के साथ काफी हद तक मैच कर रहे हैं। दिस वॉज द थर्ड टॉपिक।